भाषाएं हमारी अनेक है, लेकिन सब में यही भाव है, सब भाषाओं में रामायण है, सब भाषाओं में महाभारत है, सब भाषाओं में समान अर्थ की कहावतें हैं, सभी भाषाओं की परंपरा व्यक्त करती है, इसी भाव को व्यक्त करती है। इसलिए अनेक भाषा है, अनेक पंथ संप्रदाय है, अनेक खान पान रीति रिवाज रहन सब कुछ है, लेकिन भारत सनातन काल से भारत के नाते एक ही है, एक ही है। वो किसी का बना है एक नहीं है, और किसी के तोड़ने से टूटेगा ऐसा भी नहीं है। उसकी व्यवस्थाएं हो सकती है अलग अलग, परंतु भारत का भाव एक है। उस भाव के आधार पर यह भारत समर्थ बनेगा और संपूर्ण दुनिया को इस भाव से आप्लावित करके उस दुनिया के सामने आज की जो सारी समस्या आपस के कलह की, गरीबी बेरोजगारी की, मूल्यों के क्षरण की, पर्यावरण के विघटन की, इन सारी समस्याओं का उत्तर उस भाव के बल पर बड़ा होकर यह भारत देने वाला है। और भारत के इस नवोत्थान के लिए जो मूल पूंजी आवश्यक है भाव की, वो सावयव जगन्नाथपुरी में प्रकट हुई है, ऐसा आप मानिए।